काश मैं थोड़ी पतली हो जाऊं, बस मैं थोड़ी सी गोरी और लगने लगूं। मेरा घर वैसे तो ठीक है, पर थोड़ा और सुंदर हो, और थोड़ा बड़ा मेरे को घर मिले, और अच्छी जगह मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, और मैं कुछ अच्छा हासिल कर पाऊँ। काश मेरे पति की सैलरी थोड़ी और बढ़ जाए, काश मेरा बिजनेस कुछ और अच्छा चल जाए। काश काश, क्या हम यही नहीं करते हैं पूरा दिन, सिर्फ काश की दुनिया में हम खोए रहते हैं। बस हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, बस यही करते रहते हैं। पूरा दिन इसी झिकझिक में हमारा जाता है। क्या कभी सोचा है? आंख बंद करके ज़रा देखो, कितना कुछ है तुम्हारे पास पहले से ही, पर उसको नोटिस करने का टाइम नहीं है। और मांगे जा रहे हो, और चाहिए और चाहिए, ये और की दौड़ कभी ख़त्म नहीं होगी। जीवन ख़त्म हो जाएगा, ये कुछ और की लालसा कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। जो इतना कुछ दिया है कुदरत ने, कभी उस पे गौर करो। अगर आंखें थक न जाएं देखते देखते कि क्या कुछ है मेरे पास, तो कहना, देखो एक बार उन चीज़ों को गौर से, थोड़ा ध्यान से, कि क्या कुछ है तुम्हारे पास, क्या कुछ है मेरे पास। लेकिन हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे गौर करते हैं जो नहीं है मेरे पास। ध्यान बस उन्हीं चीज़ों पे अटका रहता। क्यों जाता है ध्यान हमेशा उस ओर ही, क्यों जाता है ध्यान हमेशा उस ओर ही, कुछ कमी है जहाँ थोड़ी ही सही। नज़र को थोड़ा बस घुमाने की देर है, नज़र को थोड़ा बस घुमाने की देर है, सब कुछ होगा वहीं जहाँ तुम हो अभी। क्या कुछ है पास तुम्हारे देखो तो सही, क्या कुछ है पास तुम्हारे देखो तो सही, जो सपना है किसी का उसको जी रहे हो तुम अभी। एक शब्द है बड़े काम का, इसे अपना कर तो देखो, एक शब्द है बड़े काम का, इसे अपना कर तो देखो। आभार में जादू है क्या, धन्यवाद ज़रा करके तो देखो। चीज़ें भी बातें करेंगी तुमसे, ज़रा उनसे रिश्ता बना कर तो देखो। चीज़ें भी बातें करेंगी तुमसे, ज़रा उनसे रिश्ता बना कर तो देखो। खुश वो होंगी बहुत, खुश वो होंगी बहुत, ज़रा उनके नाम रख कर तो देखो। तर्क वितर्क की दुनिया को भूलो कुछ पल के लिए ही सही, तर्क वितर्क की दुनिया को भूलो कुछ पल के लिए ही सही। उसके बाद जो जीवन बदलेगा उसका कोई अनुमान ही नहीं, उसका कोई अनुमान ही नहीं। आज से लगभग 2-2.5 महीने पहले क्या किसी ने सोचा था कि हमारा जीवन इस तरह बंद कमरों में बीतेगा? एक कोरोना नाम के छोटे से वायरस से डर के हम अपने घरों में बंद हो जाएंगे? सोचा था किसी ने? नहीं, किसी ने नहीं सोचा था। अपने जीवन को बचाने के लिए आज हम अपने घरों में बंद हैं, तो क्या ये जीवन कीमती नहीं है? आभारी रहिए जीवन के हर उस क्षण के लिए जो आपको आपके परिवार के साथ मिला है, क्योंकि किसी न किसी परिवार ने तो अपने एक प्यारे इंसान को खो दिया है। हर वो इंसान जो आप न्यूज़ में सुनते हैं कि आज इतने लोगों की डेथ हो गई, वो किसी न किसी परिवार का हिस्सा रहे होंगे। आप खुशकिस्मत हैं कि आपका परिवार सुरक्षित है, आप अपने परिवार के साथ हैं, तो धन्यवाद कीजिए ईश्वर का अपने परिवार के लिए जो हमेशा आपके साथ है। हर उस चीज़ का धन्यवाद कीजिए जो आपको जिंदा रखे हुए है, जो आपको इस दुनिया में रखने में सक्षम है। धन्यवाद कीजिए ईश्वर का हर सांस के लिए जो आ रही है जा रही है, आपको जीने का संदेश दे रही है। धन्यवाद कीजिए और धन्यवाद को जीवन का एक अंग बना लीजिए। हर क्षण आभारी रहिए ईश्वर के। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।